देखिए, आज दूसरे चरण के तहत 88 सीटों के लिए वोट डाले जा रहे हैं और आज राहुल गांधी की सीट यानी कि वायनाड में भी वोटिंग जारी है। बीजेपी के उम्मीदवार के सुरेंद्रन ने इसी बीच बड़ा दावा कर दिया है और कह रहे हैं कि इस बार लोग राहुल को टाटा बोलने वाले हैं। राहुल गांधी ने वायनाड को ठगा, के सुरेंद्रन का ये आरोप, अमेठी से नामांकन करके ठगा है। एनी राजा और राहुल को लेकर भी उन्होंने कहा कि दोनों पार्टी लड़ने का नाटक करती है। तो देखिए, लोकतंत्र का महापर्व है और जनता कतार में लगी हुई है, सियासी बयानबाजी भी जमकर हो रही है, लेकिन दूसरी तरफ बुजुर्गों के हौसले किस तरह से बुलंद हैं, उसी से जुड़ी तस्वीरें आपके सामने हैं। गाजियाबाद में 92 साल के बुजुर्ग वोट डालने के लिए पहुंचे, जोधपुर में 97 साल की महिला ने वोट डाला, कोझिकोड में 84 साल के बुजुर्ग ने मतदान किया और दार्जिलिंग से भी तस्वीरें आई जहां कई बुजुर्ग पोलिंग बूथ पर दिखाई दिए। वहीं जालौर में व्हीलचेयर पर बुजुर्ग वोट डालने के लिए पहुंचे, तो बुलंद हौसलों के साथ ये मैसेज भी देने की कोशिश कि आज घर से निकले, अपने पोलिंग बूथ तक पहुंचे, मतदान करें। और इन तस्वीरों पर हमारी नजर आगे भी रहेगी। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहु साजिश के लिए मचल जाए और ये है इनकी बहु, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।